16 तारीख को शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इस दिन अगर कुछ विशेष चीजों का दान करा जाए तो साल भर लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहेगी। आइए उज्जैन के पंडित से जानते हैं वो उपाय। इस वर्ष में अनेक त्योहार व्रत आदि किए जाते हैं। इसमें ही नवरात्रि के पश्चात शरद पूर्णिमा आती है, जो इस वर्ष शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर बुधवार की कही गई है। इस दिन अगर राशि के अनुसार अगर माने तो कुछ मुख्यतः उपाय किए जाएं तो उससे व्यक्ति को धन धान्य की आदि की वृद्धि प्राप्त हो सकती है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं, तो इस दिन मेष वाले राशि वाले जातकों को खीर का दान करना चाहिए, जिससे कि देवी लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। और वृषभ राशि वाले जातकों को दही का घी का दान करना चाहिए, जिससे उन्हें सौभाग्य आदि प्राप्त होता है। उन राशि वाले जातकों को अगर व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है और हानि हो रही है, तो इस दिन उन्हें शरद पूर्णिमा वाले दिन चावल और दूध का दान करना चाहिए, जिससे उन्हें लाभ प्राप्त होता है। कर्क राशि वाले जातकों को मिश्री युक्त घी का दूध का दान करना चाहिए, जिससे उन्हें लाभ प्राप्त होता है। वहीं सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो उन्हें शरद पूर्णिमा वाले दिन गुड़ का दान करना चाहिए, जिससे ग्रहों की स्थिति तथा आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उनमें लाभ प्राप्त होता है। कन्या राशि वाले जातकों को शरद पूर्णिमा वाले दिन खीर का दान करना चाहिए, जिससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। तुला राशि वाले जातकों को दूध चावल और घी का दान करना चाहिए, जिससे कार्यों में लाभ प्राप्त होता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को लाल रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिससे उन्हें ग्रह बाधा जो आ रही हो उनसे लाभ प्राप्त होता है। और धनु राशि वाले जातकों को दाल का दान करना चाहिए, जिससे उन्हें लाभ की प्राप्ति होवे और हर क्षेत्र में उन्हें समृद्धि मिले। मकर राशि वाले जातकों को बहते हुए जल में अक्षत चावल प्रवाहित करना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कुंभ राशि वाले जातकों को कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन जो है इसका राशि का संबंध शनि से कहा गया है, और सभी विशेष शरद पूर्णिमा वाले दिन इस राशि वाले को गरीबों को भोजन करवाना चाहिए, जिससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भगवान शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। और मीन राशि वाले जातकों को कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन ब्राह्मण को भोजन करावे और देवी लक्ष्मी की आराधना करे, उससे उन्हें धन आदि की प्राप्ति होती है और मानसिक रूप में वृद्धि प्राप्त होगी और धन धान्य की स्थिति सामान्य से बढ़कर के उच्च होती है। इसलिए इस दिन मीन राशि वाले जातकों को कहा जाता है कि वो ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा देवी लक्ष्मी का पूजन करें।